पूर्व डीआईजी कर रहे समाज सेवा। सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश लोगों की चाहत घर पर परिवार के साथ समय बिताने की होती है, लेकिन पुलिस महकमे में डीआईजी के पद से रिटायर हुए जगत राम जोशी ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। वो अधिकांश समय समाज की सेवा में कर रहे हैं अपना वक्त इस्तेमाल। शनिवार को भी जगत राम जोशी ने पाजी टिल्लानी में निराश्रित और गरीब लोगों के लिए रजाई वितरण कैंप का आयोजन किया, जिसमें पाजी टिल्लानी समेत आसपास के करीब 17 गांव के 250 लोगों को रजाई गद्दे वितरित किए। जगत राम जोशी कहते हैं, वो अपनी सेवा के दौरान जहां भी पोस्टेड रहे वहां पर लोगों के लिए काम करते रहे, लेकिन जनजाति क्षेत्र जोनसार बावर से होने के कारण सेवानिवृत्त के बाद भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस कड़ी में वो क्षेत्र में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर चुके हैं। नव भारत समाचार विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम श्रीमती सरिता तोमर, मैं ग्राम पंचायत चंदो से हूँ। इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि रजाई बांटी, इन लोगों ने गरीबों को लाभ मिला इससे, और जोशी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके वजह से ये सब कार्यक्रम हुआ है, इससे हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र है, मैं ग्राम पंचायत टिमरा का प्रधान हूँ। और तो मैं जो जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इन्होंने इतना बहुत कुछ हमारे जौनसार बाबर के क्षेत्र में किया है, जो हमारे सब जो गरीब परिवार लोगों को इन्हें ये वितरण दिया रजाई के लिए, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। देखिए, विंटर के सीजन में मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। सर्विस के दौरान जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ पर ये कार्यक्रम होता था, क्योंकि अब सेवानिवृत्ति के बाद अब मैंने अपना जौनसार बाबर के क्षेत्र को चिन्हित किया है, तो जो गरीब लोग बाग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रहता है। तो आज यहाँ हमने लगभग 250 परिवारों को आमंत्रित किया है, और जिनके लिए प्रत्येक परिवार के लिए 200 रजाइयाँ, ये जन सहयोग से ये मेरा कार्यक्रम होता है। इसमें मेरे काफ़ी मित्र हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन सब का सहयोग रहता है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम हर वर्ष मैं आयोजित करता हूँ कि दो सर्दी के टाइम में कि गरीबों की कुछ थोड़ी मदद हो सके, इसका बस एक पर्पज यही है। नहीं नहीं, देखिए रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट तो एक स्वाभाविक व्यवस्था है, उसको होना ही है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन उसके बाद हमें सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य गिरेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि सक्रिय, सबको सक्रिय रहना चाहिए। और सामाजिक रिटायरमेंट के बाद आपका पूरा टाइम है कुछ भी काम करने के लिए, तो मैं इस तरह के कार्यक्रमों में आगे भी व्यस्त रहूँगा। अभी अगले 10-12 दिन में यहाँ एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम मेरे द्वारा जब तक संभव हो करता रहूँगा। ये जोशी जी हैं, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से ही है, पुलिस यूपी के टाइम से पुलिस में सेवाएं देते आए हैं, फिर उत्तराखंड पुलिस में डीआईजी से रिटायर हुए हैं। उसके बाद सरकार ने भी इनको काम करते देखने के बाद 3 साल और एक्सटेंशन देते हुए इनको 3 साल का और एक्सटेंशन दिया है, तो ये क्षेत्र में लगातार अपने यहाँ काम करते रहते हैं। हालांकि इधर नौकरी की वजह से, छुट्टी कम होने की वजह से इधर आना इनका इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ ये इसमें बिल्कुल पंक्चुअली काम करते थे। अभी रिटायरमेंट के बाद ये इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, तो अभी इनका ये शायद दूसरा कैंप है जौनसार बावर में, पहला इनका अपने गाँव स्टार लगाया था। और यहाँ 17 गाँव इसमें जो है, जैसे चिबो, खमलोली, 3 खते, 17 गाँव इसमें लाभान्वित हुए हैं, और बिल्कुल चयनित किए जा रहे हैं लोग जिनको वास्तव में ही ज़रूरत है रजाई की। जो सर्दी में परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने परिवार वाले भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को चयनित करके उन्हीं के हाथ में ये दिए जा रहे हैं। क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कार्य जो है ये इन्होंने प्रारंभ किया है और कर रहे हैं। आगे शायद ये मेडिकल कैंप लगाने की भी बात कर रहे हैं कि आगे मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, तो इस तरह से अभी इनका ये दूसरा कैंप है। इससे पहले इन्होंने मेडिकल कैंप घनौल में भी लगाया था, अस्टाड में भी लगाया था, तो ये लगातार क्षेत्र में सक्रिय है बिना किसी स्वार्थ के, ना ये राजनीति में है ना किसी में, बस ये अपनी भावनाओं से गरीब जनता की सेवा करना चाहते हैं, यही।